एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लोज़र लाइफ। और आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही प्यारे कुर्ती हॉल वीडियो मिंत्रा के, और काफी अफोर्डेबल, 599 रुपीज के अंदर है। तो फटाफट जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो जो मैं आज कुर्ती लेके आई हूँ काफी अफोर्डेबल और एक ही ब्रांड के सारे कुर्ती है। सारे कोइंसिडेंट थे, मुझे नहीं पता था वो एक ही ब्रांड के सारे आ गए, क्योंकि मुझे, मैं सोच रही थी आज वो फ्लो बनाऊंगी कि 599 के अंदर ही सारे आ जाए मेरे, तो इसीलिए सारे अहिका ब्रांड के ही आ गए। एंड क्वालिटी इज जस्ट ऑसम, यू विल डेफिनेटली लव इट। सो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला कुर्ती मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो है ये ग्रीन कलर का कुछ इस टाइप के प्रिंट है। आपको अगर डल लग रहा होगा या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि भाई कैसा है, लेकिन ट्रस्ट मी, पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा प्यारा लुक देने वाला है, क्योंकि कुछ चीज देखने में अच्छी नहीं लगती लेकिन पहनने के बाद बहुत अच्छी लगती है। तो ये कुछ ऐसा है। तो ये लाइक नॉर्मल एल्बो तक इसकी स्लीव है और लॉन्ग है। आप इसको मस्टर्ड कलर लेगिंग्स के साथ या ब्लैक लेगिंग्स के साथ, नॉर्मल एंकल लेंथ के साथ बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा। प्लीज अगर आप लेगिंग्स पहनोगे इसके साथ तो एंकल लेंथ ही जरूर पहनना। मैंने जो लेगिंग्स पहना मैं उसका लिंक भी आपको डाल दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। तो सारे काफी अफोर्डेबल है, अगर आप कॉलेज जाने के लिए सोच रहे हो या फिर नॉर्मल अगर आप सरकारी जॉब करते हो वहां पे कुछ ज्यादा वैसा पहन नहीं सकते, नॉर्मल कुर्ती पहननी होती है, दुपट्टा लेना पड़ता है ये वो, तो कुछ इस टाइप की आप आराम से पहन सकते हो। काफी ज्यादा सिंपल है और घर में भी पहन सकते हो क्योंकि ये कॉटन है, कंफर्टेबल तो काफी ज्यादा है। अभी थोड़ा सा हार्ड होता है कॉटन, फर्स्ट टाइम में सारी 100% कॉटन है, तो वन वॉश के बाद आपको ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलो मैं इसको दिखाती हूँ पहनने के बाद कैसा लुक दे रहा है। सेकेंड कुर्ती, टंटरा। तो ये ब्लैक और मस्टर्ड कलर और ग्रीन, यार ये फ्लोरल कुर्ती, भाई फ्लोरल चीज तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, चाहे वो टी शर्ट हो, वो टॉप हो, ड्रेसेस हो या कुर्ती हो, सीरियसली। तो आप आराम से कॉलेज या ऑफिस वगैरह पहन के जा सकते हो, वल्गर भी नहीं है, नेक इतनी डीप भी नहीं है, बहुत ही डिसेंट सी नेक है इसकी, बैक फ्रंट दोनों में। तो मुझे बार बार प्राइस बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 599 के अंदर है सारे के सारे। तो ये साइज मेरे सारे एम है और इसका आप आगे पीछे दोनों देख सकते हो, काफी ज्यादा सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें एक्सप्लेन करने के लिए। 100% कॉटन है ये भी और इसकी प्रिंट तो काफी ज्यादा प्यारी, इसके साथ भी मस्टर्ड कलर की लेगिंग्स या ऑरेंज कलर या लाइट ग्रीन या डार्क ग्रीन बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा। बट मैंने ब्लैक के साथ ही पहन लिया है तो मैंने सब कुछ आपको ब्लैक में ही दिखा दिया, ब्लैक तो सब में ही चला जाता है तो इसलिए मैंने ब्लैक में पहन लिया। तो एज यू कैन सी, तो चलो मैं इसको भी दिखाती हूँ पहनने के बाद कैसा लुक दे रहा है। नेक्स्ट है कुर्ता, वो भी काफी सिंपल है, कॉटन का ही है। ये मुझे सबसे ज्यादा प्यारा लगा था क्योंकि इसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है और पहनने के बाद ही बहुत ही सिंपल डिसेंट सा लुक दे रहा है ये। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे लाइनिंग ऑरेंज येलो इस टाइप की कुछ प्रिंट आपको मिल जाती है आगे पीछे, दोनों पूरी सिंपल है, ये भी एल्बो तक मिल जाती है। इस टाइप की कुर्ती बहुत चलती है डेली वेयर के लिए, आप आराम से पहन सकते हो, काफी कंफर्टेबल। अगर हम ट्रैवल के लिए भी सोचते हैं ना तो हमें कॉटन ही सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि कॉटन कपड़े से अच्छा कंफर्टेबल और कुछ भी नहीं है। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू, इतने सस्ते में अफोर्डेबल है। तो आप सारे देख सकते हो, मैं सारे लिंक हॉल पैक के अंदर ही डाल दूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हॉल पैक करके, हॉल पैक माय हॉल पैक अकाउंट करके उस लिंक को ओपन करना, आपको सारे वहीं पे मेरे कलेक्शन दिख जाएंगे। सिर्फ ये कलेक्शन क्यों, पिछले सारे कलेक्शन मेरे आपको वहीं पे दिख जाएंगे, तो आपको पुरानी वीडियोस को स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। तो कुछ ये ऐसा लुक देता है। तो चलो मैं इसको भी दिखाती हूँ कैसा लुक दे रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, तो ये काफी सिंपल सा है। एक कुर्ती मुझे सबसे ज्यादा खराब लगी थी, कौन सी लगी थी मैं आपको बताती हूँ, वेट, ये वाली नहीं थी शायद। तो जो नेक्स्ट है वो कुछ इस टाइप की कुर्ती है, आपने लाइट पिंक कलर का, और ये भी नेक इसका काफी ज्यादा डिसेंट है, तो
डेली वेयर के लिए काफी कंफर्टेबल है आपको देख के। मुझे सबसे गंदी लगी है तो इसकी स्लीव, क्योंकि ये फोल्डेड स्लीव, यहाँ स्लीव यहाँ पे दे दिया, ये स्लीव, आई हेट दिस स्लीव, पता है मुझे ये स्लीव बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों आई, मुझे नफरत सी है ये स्लीव से, फोल्डेड स्लीव मुझे ऐसा लगता है ना वो लोफर टाइप का, तो मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे टाइप की स्लीव। तो मैं सोच रही हूँ अगर ये खुल सकता होगा ना, इसके स्टिच में निकाल के इसको खुलवा ही दूंगी। तो ये भी फ्लोरल प्रिंट की है, व्हाइट कलर के फ्लावर्स दिए हुए इसमें, लाइट लाइट ग्रीन कलर का है, सिंपल सा ही है। 100% कॉटन। चलो इसको भी दिखाती हूँ मैं पहनने के बाद कैसा लुक दे रहा है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, आई विल सजेस्ट यू डोंट बाय दिस वन, तो वो ये है, क्योंकि ये कॉटन का तो है लेकिन कुछ ज्यादा ही मोटा कपड़ा है, आप इसको गर्मी में नहीं पहन सकते, एंड आई थिंक शायद इसमें स्वेटिंग भी होगी क्योंकि इसके कपड़े ही काफी ज्यादा मोटे टाइप के हैं। मुझे ये कपड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बाकी सारे काफी सॉफ्ट है, आपको समझ में आ रहे हो, काफी सॉफ्ट कपड़े हैं कॉटन के, लेकिन ये ना कुछ ज्यादा ही मोटा कॉटन कपड़े का है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और द सेकेंड डिफॉल्ट थिंग इज द फोल्डर स्लीव, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये चीज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर आपको, अगर आप पहन सकते हो, यू आर कंफर्टेबल, देन यू कैन बाय। मुझे और कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं दिखी है, इसमें जो प्रॉब्लम है वो कपड़े की है, थोड़ी मोटे कपड़े की है, गर्मी में मुझे थोड़ा एकदम लाइट वेटेड पहनना पसंद है, जहां स्वेटिंग ना हो, जहां पे मुझे ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ पहन रखा है, बस बहुत ही लाइट होनी चाहिए वो, तो इसलिए ये रिजेक्टेड। चलो मैं इसको दिखाती हूँ पहनने के बाद कैसा लुक दे रहा है। अच्छा ही लग रहा है लुक, बट आई हैव रिजेक्टेड। तो जो नेक्स्ट कुर्ती मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये पिंक कलर का कुछ इस टाइप का, तो ये कपड़े भी काफी अच्छे हैं, ये वन वॉश के बाद बहुत अच्छे होने वाले। ये तो और भी लाइक थोड़े सॉफ्ट में है, ये भी सॉफ्ट में है, बट उससे थोड़ा सा थिक कपड़ा है इसका, बट अच्छा है। ये फ्रंट है इसका, इसका नेक कुछ इस टाइप का है, और इसकी स्लीव ऐसी है नॉर्मल जैसी होनी चाहिए, तो कुछ इस टाइप आगे पीछे, काफी स्ट्रेट, सारी स्ट्रेट ही कुर्ती है, कोई भी लाइक फ्रॉक पैटर्न या कुछ भी नहीं है, सारी स्ट्रेट कुर्ती है, स्ट्रेट कुर्ती है जिसल, काफी लड़कियों की स्ट्रेट कुर्ती पसंद भी आती है, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था स्ट्रेट कुर्ती के लिए, तो इसलिए आज मैं सारे स्ट्रेट कुर्ती ही लेके आई हूँ, तो आप जैसे देख सकते हो। तो चलो मैं इसको भी दिखाती हूँ ये पहनने के बाद कैसा लुक दे रहा है। सो मूविंग टू द लास्ट वन विच आई एम वेयरिंग, एंड एज यू नो कि मैं जो पहन के बैठती हूँ मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, तो यहाँ पे ये कुर्ती आप जैसे देख सकते हो, इसकी प्रिंट आपको लग रहा होगा ये थ्रेड वर्क आपको विजिबल है, बट ये थ्रेड वर्क नहीं है, इट्स थ्रेड लाइक वर्क की प्रिंट है, पूरी पूरी प्रिंट है ये। तो जब मैं खरीद रही थी इसको, लाइक जब मैंने देखा था मिंत्रा में, तो मुझे ऐसा लग रहा था पूरी थ्रेड इसमें दिखेगी, बट प्रिंट इस टाइप की है ना, लग रही है पूरी थ्रेड दिखने वाली, बट है नहीं, पूरी प्रिंट ही है ये। तो पूरी कुर्ती में ये प्रिंट किया हुआ है ना, काफी ज्यादा प्यारा लुक दे रहा है, मुझे सिंपल कुर्ती बहुत ज्यादा पसंद है गर्मियों के टाइम स्पेशली। तो चलो मैं इसको भी दिखाती हूँ पहनने के बाद कैसा लुक दे रहा है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि काफी सस्ते में आपको अच्छी अच्छी कुर्ती मिल गई है, सारी स्ट्रेट कुर्ती है। और नेक्स्ट वीडियो में देखती हूँ मैं क्या लेके आऊंगी, शायद सरप्राइज ही रख लो, क्योंकि आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऑप्शन रखे हैं, तो कुछ तो मैंने बैकपैक वगैरह बैग्स के ऊपर सोच रखा है, वो भी वीडियो जल्दी आएंगे, डोंट वरी, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, फॉर टुडे गाइस टेक केयर, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा कुर्ती आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और आपको अगर इस टाइप की कुर्ती और चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताएं। बाय बाय, टेक केयर।